हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, सो आपके पास तीन चॉइसेस हैं। या तो आप अपने टाइम को सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, ठीक है, जैसे कि आप सारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो कि आपको टेम्परली एक एंटरटेनमेंट दे रही है एंड उनका लॉन्ग रन में आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा सकते हो, यानी कि सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड चीज़ों में लगा सकते हो, कुछ सीखने में लगा सकते हो, कुछ अपने अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को इन्हांस करने में लगा सकते हो, या फिर तीसरा जो कि आप अ मिक्स ऑफ बोथ रख सकते हो, यानी कि कुछ टाइम ऑफ योर डे इज इनटू थिंग्स जो कि एंटरटेनिंग है बट इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर डे इज इनटू समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव और जो आपको ग्रो कर रहा है, जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है। I will always suggest you to go with the third choice. So I will always suggest you to balance things. ठीक है, कि आप दिन में एक से दो घंटा एंटरटेनमेंट या फिर रिक्रिएशनल चीज़ों पे दे रहे हो और आप बाकी का टाइम अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर दे रहे हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो, अपने टाइम को कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हो या करना चाहिए। ठीक है, सो गाइज, देर आर सिक्स डिफरेंट थिंग्स विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम अपनी स्किल्स को एनहेंस करें। वी शुड ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू दैट इज एनहेंसिंग आर सेल्फ। ठीक है, इट कुड बी एनी थिंग। आपको क्या पसंद है, आपको क्या सीखने का बहुत टाइम से मन था, आप गिटार सीख सकते हो, आप डांस करना सीख सकते हो, आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो या फिर आप स्विमिंग करना सीख सकते हो, आई मीन एनी थिंग दैट यू लाइक। ठीक है, एनी थिंग दैट इज एनहेंसिंग एनी ऑफ योर स्किल। ठीक है, अब आपको गिटार नहीं पसंद है तो आप और भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन दैट वॉट यू वॉन्ट टू लर्न। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ है दैट यू शुड लर्न समथिंग न्यू। सेकेंड थिंग, इफ यू गाइज हैव फाउंड आउट वॉट योर पैशन इज, इफ यू गाइज नो कि आपको क्या पसंद है या आप किस चीज़ से प्यार करते हो, तो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए या आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू शुड कीप डूइंग समथिंग टू फॉलो योर पैशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं या फिर हम जो करियर में परस्यू कर रहे हैं हम उसमें इतना बिजी हो चुके हैं या हम अपने आसपास के सिचुएशंस और लोगों में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम वो चीज़ तो भूल ही गए हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मीन आर पैशन। लाइक वॉट एम आई डूइंग टू फॉलो माई पैशन, इज देयर एनी थिंग दैट आई एम डूइंग। सो अगर तो आपने नहीं ढूंढा है अपना पैशन, तो एक तो पहले ढूंढ लो, इस टाइम को यूटिलाइज करो टू फाइंड आउट वॉट योर पैशन इज, वॉट यू रियली लाइक डूइंग। और अगर आपने ढूंढ लिया है तो फिर आप उस पैशन के और करीब जाने के लिए या आप उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, सेल्फ केयर। बहुत ही अंडररेटेड चीज है ये। ठीक है, कि हम अपने ऊपर, हम अपनी बॉडी के ऊपर, हम अपने माइंड के ऊपर कितना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को या अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोविड के चलते हुए हम सबको ये रियलाइजेशन तो हो ही चुका है कि हेल्थ से ऊपर और कुछ नहीं है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। जॉब्स आर टेम्प्ररी, लाइफ कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं हो सकती है, हर चीज़ हमारे आसपास टेम्प्ररी है, बट एक होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन आई से हेल्थ आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ बट आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ। सो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
30 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ योर डे आई थिंक आपको इस चीज पे देना चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक. सी व्हेन आई से कि एक्सरसाइज करो, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा जिम जाके एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है, या फिर योगा ही करना जरूरी है, नथिंग लाइक दैट. एनीथिंग दैट इज फिजिकली एंगेजिंग योर बॉडी, इट कुड बी एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इट कुड बी डांस, इट कुड बी जूम्बा, इट कुड बी योगा, इट कुड बी जिम, इट कुड बी नॉर्मल एरोबिक्स और एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट यू लाइक. यूट्यूब पे आजकल कितने सारे वीडियोज है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है. सो उस चीज को प्रायोरिटाइज करना सीखो. हमें पता तो होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ना कहीं नीचे होता है, या फिर हमारे दिमाग में वो इतना कॉन्शियसली चल नहीं रहा होता है, जिस वजह से हम उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. सो दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड डू. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग. अगेन, हम अपने फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोर्स कर सकते हैं. सो देर आर वेरियस कोर्सेज इन द मार्केट. 10 डेज कोर्स होता है, 1 वीक कोर्स होता है, 15 डेज कोर्स होता है, या फिर छोटी छोटी यू नो सम नंबर ऑफ कपल ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग्स होती है यूडेमी पे या लिंक्डइन लर्निंग पे. सो व्हाई नॉट जस्ट गो एंड डू दीज थिंग्स एंड यू नो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर नॉलेज. और इससे हमें काफ़ी साइट्स पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, एंड जस्ट कलेक्ट दो सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑन योर लिंक्डइन, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट यू नीड टू जस्ट गो, मतलब इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना यार, कि हम साइट पे जाएं एंड यू नो चूज द ट्रेनिंग दैट यू वांट टू डू एंड देन स्टार्ट इट एंड देन डू इट. इतनी मेहनत तो आई थिंक हमें करनी होगी यार. इतना कर लोगे और एक दो ट्रेनिंग्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फिर आप आगे भी उसको पुल ऑफ कर लोगे आराम से. ओके, सो दैट वॉज द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगेन विच इज वेरी अंडर रेटेड दीज डेज. हम अपने फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, या फिर सिर्फ हमारी उस टेम्प्रेरी जॉब के ऊपर है, या सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर है, या फिर सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने में है, या फिर हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? हर चीज़ आपके आसपास की, हर चीज़ बदल जाती है. आपके आसपास की हर चीज़ें कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहती है, फिर चली जाती है. बट देर आर सम पीपल इन योर लाइफ, देर आर सम बॉन्ड्स इन योर लाइफ दैट ऑलवेज स्टे. एंड आप उसको कितना टाइम दे रहे हो? हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग विद योर फैमिली? क्या आप उनके साथ बैठ करके एंगेज होते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो? क्या आप उनके साथ कुछ गेम्स खेलते हो, या आप उनसे, अगर आप दूर रहते हो तो आप उनसे डेली बेसिस पे बात करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप वीडियो कॉल्स करते हो या नहीं? सो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल, बिकॉज बहुत बार हम अपने आप में इतना ज़्यादा उलझ चुके होते हैं या इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को टाइम दे ही नहीं रहे. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट एंड नॉट एट ऑल द लीस्ट, सो अगर आपने अभी अभी अपने सी ए एग्जाम्स दिए हैं या कुछ भी किया है, एंड यू हैव फ्री टाइम नाउ, एंड यू नो कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप, योर नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको इंटरव्यूज देने हैं, जॉब इंटरव्यूज देने हैं, ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू डू समथिंग और यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस और वट एवर, तो आप उससे रिलेटेड क्या कर रहे हो? मतलब आपका जो नेक्स्ट गोल है इन लाइफ, आप उसको अचीव करने के लिए या उसके करीब जाने के लिए क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सी ए स्टूडेंट हो और अगर आपने अभी एग्जाम्स दिए हैं और अगर आप दोनों ग्रुप दे चुके हो, तो फिर आपका नेक्स्ट फोकस शुड बी क्लियरिंग द जॉब इंटरव्यूज, ठीक है, विच लुक्स की बहुत आसान है. मुझे भी लगता था कि ठीक है, आई एम गुड विद कम्युनिकेशन और मैं कर ले जाऊंगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, एंड देर आर पीपल हु आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स और जो रोज का रोज इस चीज पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू स्किल्स को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता है. सो फिर इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए. अगर हम दोनों ग्रुप दे चुके हैं, देन वी शुड फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है. और प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे बोलना आना चाहिए, मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें होती है यार, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, बहुत जगहों पे रिटन टेस्ट भी होते हैं. सो
हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यूज पे भी मैं एक कमिंग वीक में वीडियो पोस्ट करूंगी एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एज वेल. ओके सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल हियर. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना. अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में से वैल्यूएबल लगा हो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट देम ऑल्सो नो दीज थिंग्स. ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट.